हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लेडी सागा। इफ यू गाइस डोंट नो मी, आई एम मेघा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग लवली। सो गाइस, आज की वीडियो में हम केपीएमजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरली इन दिस वीडियो, लेट मी टेल यू दैट। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल कि केपीएमजी किन सेक्टर्स में डील करता है, व्हाट इज अ वर्क कल्चर, क्या जॉब प्रोफाइल्स है जिनके लिए हायर करता है, एंड व्हाट आर द जॉब डेजिग्नेशंस जो ये फ्रेशर्स को देता है एंड टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स एज वेल, एंड अबाउट द सीटीसी ब्रेकअप एंड कितनी हाइक्स एंड प्रमोशन किसी को केपीएमजी में मिल सकती है। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो, यू नो यू हैव टू do what, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it and do press the bell button so that you can keep getting notifications whenever I post a new video for you. नाउ जिन लोगों को नहीं पता है तो केपीएमजी बेसिकली बिग फोर कंपनीज के अंदर आती है। ये कौन से सेक्टर्स में डील करती है, लेट मी टेल यू दैट। ये बेसिकली टैक्सेशन, ऑडिट, एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग, दीज आर द फोर मेजर सेक्टर्स जिसमें केपीएमजी डील करती है। आपको इन तीन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई भी पोजीशन एलोकेट की जा सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस ये कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए हायर करता है। सो विल बी डिस्कसिंग ये फ्रेशर्स को कौन सी पोजीशन के लिए हायर करता है एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को कौन सी पोजीशंस के लिए हायर करता है। सो फ्रेशर्स को बेसिकली ये एनालिस्ट पोजीशन पे हायर करता है। आफ्टर सम टाइम ये फ्रेशर्स को प्रमोट कर देता है टू द एसोसिएट कंसल्टेंट पोजीशन, एंड उसके कुछ देर के बाद यू आर बीइंग प्रमोटेड टू कंसल्टेंट पोजीशन ऑटोमेटिकली। सो ये इनकी हायरार्की चलती है फॉर द फ्रेशर्स बेसिकली। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिफिकेशन। अगर आपने एमबीए किया है तो ये डायरेक्टली आपको एसोसिएट कंसल्टेंट या कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए हायर करते हैं, एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ये आपको एनालिस्ट की पोजीशन पे हायर करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सैलरी। जो ये बेसिक सैलरी प्रोवाइड करते हैं फॉर द एनालिस्ट पोजीशन, दैट इज 4.5 LPA, 4.5 लाख है जो ये जो बेसिक टू मिनिमम सैलरी होती है टू फ्रेशर्स ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर आपका रिटेंशन बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ग्रेजुटी एंड योर EPF, ये सभी कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। येस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर केपीएमजी किसी IIM से स्टूडेंट्स को हायर कर रही है तो डायरेक्टली ये कंसल्टेंट की पोजीशन पे हायर करती है, बिकॉज दैट इज अ लेवल ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन IIM। एंड जो ये CTC प्रोवाइड करती है दैट इज अराउंड 16 LPA। जो इनहैंस सैलरी रहती है दैट इज अराउंड 90,000 to 1 LPA रहती है आफ्टर ऑल द टैक्स डिडक्शंस, EPF की डिडक्शंस के बाद एंड ग्रेचुटी की डिडक्शन के बाद। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क कि किस तरह का काम केपीएमजी में करवाया जाता है। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हायर होते हो, बी इट एडवाइजरी, टैक्सेशन, कंसल्टेशन और एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। सो दीज ट्रेनिंग्स कैन वेरी फ्रॉम 1 month to 1 week डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन यू आर चूजिंग। इसमें बेसिकली दो तरह की ट्रेनिंग होती है, डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। डेडिकेटेड ट्रेनिंग उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जिनका काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उन लोगों को बेसिकली एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है हु इज डेडिकेटेडली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देम। इसमें आपको लाइव क्लासरूम सेशंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, एंड दिस ट्रेनिंग माइट गेट stretch from to a month also. अगर मैं इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की बात करूँ तो इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बेसिकली 1 week to 2 weeks की होती है। ये उन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है जो डायरेक्टली ऑन जॉब फ्लोर उन्हें काम सिखाया जाता है, तो उन्हें बेसिक 1 से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट जो आपको एलोकेट किया जाएगा कि आपको इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर डेडिकेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। सो केपीएमजी का एक इंटरनल पोर्टल भी होता है जहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क कल्चर। अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूँ तो वर्क कल्चर केपीएमजी का इट्स क्वाइट गुड। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है उनके सिस्टम में, द मैनेजमेंट इट इज़ क्वाइट सपोर्टिव, एंड आपको आपके प्रोजेक्ट के टाइम अगर एज अ फ्रेशर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आपको पूरी तरह से वहाँ असिस्टेंस दी जाती है। बाकी ये तो हर कंपनी में ही है कि डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, एंड जो आपके कलीग्स हैं हाउ दे आर बेसिकली, उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट कि आप कितना किसी के साथ बॉन्ड कर पाते हो, तो वर्क कल्चर का पार्ट ये भी हो जाता है।
तो यस, बट अगर जेनरिक में बात की जाए तो केपीएमजी का वर्क कल्चर इट्स क्वाइट गुड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाइक्स एंड प्रमोशन. अगर आपको एनालिस्ट की पोजीशन पे हायर किया जाता है तो आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स कंसल्टेंट की पोजीशन पर प्रमोट किया जा सकता है. एंड उसमें जो आपको CTC दिया जाएगा दैट विल बी अराउंड 9 LPA. लेकिन अगर आपको विद इन 2 ईयर्स उसमें आपको कंसल्टेंट की पोजीशन पर प्रमोट नहीं किया गया तो विद इन 3 ईयर्स आपको ऑटोमेटिकली कंसल्टेंट की पोजीशन पर प्रमोट किया जाएगा. जनरली जो स्टडी की गई है वो ये है कि KPMG के जो हाइक्स हैं दे आर क्वाइट गुड. जो KPMG हाइक देता है ऑन एन एवरेज वो 10% देता है, बाकी इससे ज़्यादा भी दे सकता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस कि आप कितना, आपकी रेटिंग, तो ये सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक और बात है KPMG के बारे में, नॉट अबाउट KPMG ओनली, इट्स ऑल अबाउट द बिग 4 कंपनीज. अगर मैं EY की भी बात करूँ तो KPMG में भी उसी तरीके से क्लाइंट फेसिंग एनवायरनमेंट काफ़ी रहता है, तो विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आपको डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन करना पड़ता है. सो मेक श्योर दैट कि आपके कॉम स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. यू नीड टू ब्रश अप दैट अगर आप KPMG की जैसी कंपनीज में काम करना चाहते हैं. येस, तो आपके कॉम स्किल्स एट द सेम टाइम बहुत अच्छे होने चाहिए. तो यू गेट टू लर्न अ लॉट इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि जहाँ भी क्लाइंट फेसिंग एनवायरनमेंट रहता है यू गेट टू ग्रो अ लॉट. आपको अगर सीखने की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलता है. सो दैट्स ऑल अबाउट KPMG. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो यू नो यू हैव टू डू वॉट, यू हैव टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड इट येट, एंड डू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन कीप गेटिंग द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो फॉर यू, एंड डू प्रेस द लाइक बटन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.